नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी यामिनी यशवंत जाधव, आमदार भायखळा विधानसभा। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आपल्याला आवाहन केलेलं आहे की शंख वाजलेला आहे आणि युद्ध सुरू झालेलं आहे। आपण सगळे ज्ञात आहात हे युद्ध कुठलं आहे, करोनाचं, ज्यात सध्या जगावर, भारतावर, मुंबईवर, महाराष्ट्रावर सगळीकडे घोंगावत आहे। या संकटाचा सामना आपल्याला करायचा आहे। सरकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका सगळीच यंत्रणा अतिशय उत्कृष्ट काम करते। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। युद्ध पातळीवर काम करते, त्यामुळे त्यांना फक्त सहकार्य करायचंय। त्यांनी दिलेल्या सूचना तंतोतंत पाळून घराच्या बाहेर जाऊ नका, हात स्वच्छ ठेवा आणि शक्य होईल तितकं स्वतःला जपा। कोणाच्या हातात हात मिळवू नका, कारण हे संकट हातात हात मिळवून लढायचं नाही आहे। त्या संकटाशी जे खरोखर कार्यरत होऊन लढतायत, त्यांच्या त्यांना साथ देणं हे आपलं आता सध्या आद्य कर्तव्य आहे। ही करोनाची साखळी तोडण्यासाठी त्यांनी दिलेली जी आपल्याला सूचना आहे, त्या तंतोतंत पाळल्या पाहिजेत। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। सूचना पाळल्या तर नक्कीच आपला देश या संकटातून लवकर बाहेर येईल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड।